जेपी दत्ता की ऐतिहासिक फिल्म बॉर्डर को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। अब इसका दूसरा भाग बॉर्डर 2 जल्दी सिनेमा घरों में दस्तक देगा। इस बार फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन और पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ भी नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म का एक नया टीजर जारी हुआ है, जिसमें दिलजीत दोसांझ की दमदार आवाज सुनाई देती है। दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर साझा करते हुए लिखा, पहली गोली दुश्मन चलाएगा और आखिरी गोली हम। संदेश के साथ उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की कि उन्हें इस मजबूत टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला है। वह इस फिल्म में एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित है। टीजर में दर्शकों को सबसे पहले सोनू निगम की आवाज में संदेशे आते हैं गाना सुनाई देता है, जिसके बाद दिलजीत की आवाज में एक प्रभावशाली डायलॉग सुनाई पड़ता है, जिसमें वे कहते हैं, इस देश की तरफ उठने वाली हर नजर झुक जाती है खौफ से। इन सरहदों पर जब गुरु केयू पास पहरा देते हैं। इसके साथ ही टीजर में यह संदेश भी आता है कि सबसे बहादुर योद्धा एक साथ आ रहे हैं। फिल्म के निर्माताओं ने बॉर्डर 2 की रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2026 तय की है, जो गणतंत्र दिवस के खास मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्माण टी सीरीज के भूषण कुमार और जेपी दत्ता की कंपनी जेपी फिल्म्स के साथ मिलकर किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता भी इस फिल्म का निर्माण कर रही है और निर्देशन की जिम्मेदारी अनुराग सिंह को सौंपी गई है। इससे पहले वरुण धवन का भी एक टीजर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने दमदार डायलॉग दिया था, दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोल कर टकराता हूँ, जब धरती माँ बुलाती है सब छोड़ कर आता हूँ। से बॉर्डर 2 के इन जोशीले संवादों और राष्ट्रीय भावना से भरे दृश्यों ने फिल्म के प्रति दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है।